हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एवरेज ट्रेडर पे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैं डबल ईएमए के बारे में मैं बताने वाला हूँ। वो सेटिंग, वो जहाँ पे वो क्रॉस देगा वहाँ पे हम लोग को बाय और सेल करना है और कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। आप लोग को ये डेली नहीं मिलेगा, अगर जब भी ये मिलता है तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको पैसा बना के देगा। एसएल इसका हमेशा बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये देखिए। पहले आप लोग को क्या करना है, अपना जो इंडिकेटर का सेक्शन है वहाँ पे जाके आप लोग को दो ईएमए लगाना है। पहला ईएमए आपको लगाना है 7 का। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, ईएमए आपको जो मूविंग एवरेज का जो दिया होगा वहाँ पे आप लोग को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 लगना है और यहाँ पे मेथड में जाके ईएमए करना है और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आप इसको स्टाइल पे आपको जाके कलर को आपको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको रेड रखा है। उसके बाद नेक्स्ट और एक ईमेल लेना है, उसका कलर इस टाइप का ब्लू टाइप का आपको दे सकते हैं और अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। और उसका लेंथ को आप 60 रख सकते हैं और ये सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद मेथड में यहाँ पे ईएमए को सिलेक्शन करना है, उसके बाद इसको डन कर देना है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे दो ईमेल मिल गया, एक 7th पीरियड का मिल गया और एक 60 पीरियड का हम लोग को अभी मिल गया है। तो अभी चलिए हम इसको जाके बैक टेस्ट करते हैं। देखिए ये 3 तारीख था, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। टाइम फ्रेम 5 मिनट से आप लोग को यही रखना है कि आप लोग को टाइम फ्रेम ओनली और ओनली 5 मिनट्स रखना है। और आपको कैंडल स्टिक को और नॉर्मल कैंडल स्टिक में इसको सेटिंग्स पे रखना है, इसको हैकने से कुछ नहीं करना है। देखिए ये 3 तारीख का है बैंक निफ्टी। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट किया, देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये 60 मूविंग एवरेज है, ईएमए है। तो इसको जैसे ही 7 वाला ईएमए क्रॉस करेगा तो हम लोग को इसका ऊपर जो कोई भी कैंडल बनेगा और क्लोज करेगा उसका हाई के ऊपर हम लोग को लेना था। तो देखिए यहाँ से हम लोग को वहाँ पे ऊपर तक चला गया मार्केट, यहाँ तक चला गया। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ तो हम लोग को यहाँ पे पुट साइड बाय करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एसएल हिट हो जाता। और इस कैंडल के ऊपर ही आप लोग को एसएल रखना है अगर पुट साइड जाना है तो। मार्केट अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ अगर जाएगा, अगर इस कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को वहाँ पे तुरंत एग्जिट कर लेना है मार्केट के प्राइस से, प्रीमियम जितना भी रहे। उसके देखिए यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट किया, देखिए ये रेड लाइन जो है ये ईएमए 7th है। देखिए यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट किया हम लोग यहाँ पे भी ले सकते थे और उसके बाद टारगेट यहाँ 1:1 1:2 रख सकते थे। प्रीवियस का भी देख देते हैं, प्रीवियस 1-2 दिन का आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ जैसे ब्रेकआउट किया हम लोग को 1:1 टारगेट मिल गया। उसके देखिए यहाँ जैसे इसने ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ तो हम लोग को यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग को इसने ब्रेक डाउन किया तो हम लोग यहाँ इसके इस कैंडल के नीचे हम लोग एंट्री लेते हैं और इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर हम लोग को एसएल रखते हैं। और यहाँ से देखिए कितना पॉइंट का मोमेंटम मिल गया है बैंक निफ्टी पे, कब बात कर रहा हूँ। देखिए 256 के आसपास आप लोग को यहाँ पे मिल गया है। आप प्रीवियस डे का भी देख सकते हैं। देखिए ये जब भी सिनारो बनता है तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया और यहाँ से भी हम लोग को कितना अच्छा खासा पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे भी 190 के आसपास यहाँ पे भी मोमेंटम मिल गया है। आप लोग को ये जब भी मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड मिल जाएगा, जब भी मिलेगा तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। एसएल आप लोग का यहाँ पे बहुत ही छोटा रहता है हमेशा। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसने रेस्पेक्ट किया और देखिए यहाँ से रेड लाइन ने जो 7th ईएमए है इसने जैसे ही क्रॉस किया और देखिए एक बार फिर से रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। देख लीजिए बैंक निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ, 400 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। चलिए देख लेते हैं आप लोग को निफ्टी में भी कैसा वार करता है। देखिए निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट से। और देखिए यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट किया, अगर आप लोग अगर यहाँ पे अगर कोई भी कॉल लेते तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन किया और देखिए यहाँ पे पुट साइड अगर हम लोग बाय करते तो यहाँ से हम लोग को कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, 60 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। उसके चलिए देख लेते हैं प्रीवियस डे का भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे भी कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है। यहाँ पे क्रॉस किया
और यहाँ से भी हम लोग को आराम से 60 पॉइंट का यहाँ पे भी मिल गया। आप यहाँ पे बाय साइड भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप लोग को कॉल साइड भी बाय कर सकते हैं, पुट साइड भी बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग को कितना पॉइंट मिल गया, देखिए यहाँ से भी 40 पॉइंट का मोमेंटो मिल गया। यहाँ बस 10-15 रुपया का आप लोग का एसएल था और कितना बड़ा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। देखिए प्रीवियस डे का भी देख लेते हैं, आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट है। देखिए ये निफ्टी का है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, 50 पॉइंट का आराम से मिल गया। एसएल तो हिट हो गया, लेकिन एसएल यहाँ पे आप लोग को बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन टारगेट इसका बहुत बड़ा रहेगा। अभी चलिए देख लेते हैं क्रूडल में ये कैसे वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्रूडल फ्यूचर्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट से। और देखिए यहाँ जैसे इसने ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ से फिर हम लोग को कितना पॉइंट का मिल गया, आराम से इजीली 70-80 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया है। और एसएल आप लोग का वो 10-15 रुपया का रहता, ज़्यादा नहीं रहेगा। ये तो क्रूडल में बहुत ज़बरदस्त वार करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी यहाँ से कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, 80 पॉइंट का। और यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल था, बस 8 से 10 रुपया का एसएल था और कुछ नहीं। यहाँ पे भी देखिए, देखिए एक 112 पॉइंट का आप लोग का टारगेट मिल गया। अगर एसएल का, अगर एसएल को देखते तो हम लोग को कितना पॉइंट का एसएल था भाई, 27-28 पॉइंट का एसएल था और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे भी ये क्रूडल में जबरदस्त वार कर रहा है ये, देखिए। देखिए क्रूडल में ये बाप है, जबरदस्त है, वार करता है। आप लोग इसको एक बार टेस्ट कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, और इस पे आप लोग ट्रेड भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए कितना कितना पॉइंट मिल रहा है, 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा। और देखिए यहाँ भी देखिए 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया। जब ये सिनारू बनता है तो बिग मोमेंटम दे देता है ये। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी का बटन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो कि भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन पहले आप लोग तक तो मिले, और इस टाइप का वीडियो आप लोग को पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।